पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इन नकली दवाओं के कारोबार में लगे लोग अपने फायदे के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां ड्रग विभाग ने मुखबिर की सूचना पर भारी मात्रा में नकली और नशीली दवाएं पकड़ी है। पकड़े गए दवाओं को आगरा से लाया गया था। टीम ने दवाई के साथ 3 तस्करों को भी पकड़ा है। नकली और नशीली दवाओं को आगरा से रोडवेज की बस द्वारा मुरादाबाद लाया गया था। इसके बाद दवाओं की इस खेप को तस्कर ई रिक्शा में डालकर ले जा रहे थे। टीम ने एक ई रिक्शा और एक स्कूटी भी पकड़ी है। तीनों तस्करों को ड्रग्स विभाग की टीम ने कटघर पुलिस को सौंप दिया है। सूचना मिल दी कि एक बस के अंदर एक व्यक्ति भारी मात्रा में फिशिंग सैंपल और नारकोटिक्स की दवाएं, जिसमें गवर्नमेंट सप्लाई है, एमसीडी सप्लाई है, ईएसआई सप्लाई है, फिजिशियन सैंपल है, नारकोटिक्स है, और इसमें 2 सस्पेक्टेड नकली दवाएं हैं जो हमने पहले भी रेड प्रोग्राम्स के अंदर पकड़ी हैं, जो नकली पाई गई हैं वो भी बरामद हुई हैं, और इसमें बहुत हैवी एंटीबायोटिक, जैसे कि आप एक ही देखते हैं तो जो मिला है मेरोपेनम इसके यहाँ से मिला है, और वो भी जो है भारी मात्रा में मिला है, जिसकी कॉस्ट 970 रुपये MRP है, वो भी फिजिशियन सैंपल के नाम पे, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा इतनी हैवी एंटीबायोटिक को फिजिशियन सैंपल में नहीं बनाती, जो कि बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड है। उसका भी जो है सैंपल लिए गए हैं, और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रोडवेज बस से जो गाड़ी माल लेके जाया जा रहा था, रोडवेज बस का ड्राइवर रोडवेज बस को लेकर भाग गया है, तो उसके कंडक्टर का और उसका नाम इन्होंने बताया है, उसका बस नंबर बताया है, इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सर, सब स्टैंडर्ड होने की आशंका है इन सब दवाइयों को? नहीं, इसमें से 3 तो बहुत ही हाईली सस्पेक्टेड हैं, जो कि नकली होने की संभावना है प्राइमा फेशिया, और जो बहुत ज़्यादा जो आपका नारकोटिक्स इसमें से मिला है, जैसे कि आपका लोराजी फार्म है, लोराजा फार्म की काफ़ी अच्छी भारी मात्रा है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं इसमें। लाइफ सेविंग ड्रग्स तो सारी ही हैं, बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स हैं, और पूरा का पूरा नारकोटिक्स में ट्रबल।